जय जिनेंद्र बच्चों। अच्छा, आज हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। ये बताओ कि क्या एक बंदर भगवान बन सकता है? लगता तो नहीं है, लेकिन एक्चुअली बन सकता है। आज हम आपको एक मंकी की स्टोरी सुनाएंगे। वो बंदर एक फॉरेस्ट में रहता था। बंदर भाई फॉरेस्ट में रहकर खूब फल फूल खाते थे। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर खूब उछल कूद करते थे। ऊंची ऊंची छलांग मारकर हुआ हुआ करके सबको डराता भी था वो बंदर। उस फॉरेस्ट में कई मुनिराज आते थे और एक ट्री के नीचे बैठकर ध्यान करते थे। तो ध्यान में बैठे हुए मुनिराज को देखकर बंदर बहुत खुश होता था, लेकिन वहाँ पर कभी ऊधम, वहाँ पर कभी शरारत नहीं करता था। एक बार उस फॉरेस्ट में एक राजा वज्रजंग और रानी श्रीमती आए। उन राजा के दो पुत्र थे, मतलब ही हैड टू सन, जो मुनि बन गए थे। वो दोनों मुनि उसी फॉरेस्ट में आ पहुंचे। तब राजा रानी ने उन दोनों मुनि राजों को भक्ति भाव से आहार दिया। बंदर पेड़ के ऊपर बैठा बैठा सब देख रहा था कि ये राजा रानी कितने अच्छे भावों से मुनि महाराज को आहार दे रहे हैं। ये सब देखकर उसके मन में आया कि यदि मैं मनुष्य होता तो मैं भी इन राजा की तरह मुनियों की सेवा करता, लेकिन देखो मैं तो एनिमल हूँ, मैं तो पशु हूँ। मेरा ऐसा फॉर्च्यून कहाँ कि मैं मुनिराज को आहार दे सकूँ। आहार दान के बाद वे मुनिराज उपदेश देने लगे। राजा रानी उनका उपदेश सुन रहे थे और बंदर भी दोनों हाथ जोड़कर मुनिराजों की वंदना कर रहा था और वहाँ बैठा बैठा उपदेश सुन रहा था। ये सब देखकर राजा बहुत सरप्राइज हुआ और उन्होंने मुनिराज से पूछा, हे मुनिराज, ये बंदर कौन है? मुनिराज ने कहा, राजा, ये बंदर पूर्व जन्म में नागदत्त नाम का एक बनिया था। उस समय उसने बहुत कपट भाव, बहुत ही गंदे चीटिंग वाले भाव किए थे। मायाचारी करने के कारण ये नेक्स्ट जन्म में बंदर बना। आपको पता है, जो व्यक्ति कपट करता है, मायाचारी चीटिंग करता है, उसको तिर्यंच गति मिलती है। मुनिराज ने कहा, राजा, जिस प्रकार इस भव में हम तुम्हारे पुत्र थे ना, उसी प्रकार इस बंदर का जीव फ्यूचर में आपका पुत्र होगा, और भविष्य में जब आप ऋषभदेव तीर्थंकर बनोगे ना, तो ये जीव आपका गणधर बनेगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। मुनिराज के मुंह से ये सुनकर बंदर तो बहुत खुश हुआ और खुश होकर मुनिराज के चरणों की वंदना करके आनंद से नाचने लगा। बंदर के तो खुशी का पार ना रहा। His happiness had no bounds. वो रोज अच्छी अच्छी भावनाएं बहाने लगा और वो बंदर मरकर मनुष्य बना। उसका जन्म हुआ भोग भूमि में, जहाँ राजा और रानी के जीव भी वहीं थे। आपको पता है भोग भूमि क्या होती है? एक्चुअली दो तरह की लैंड्स होती हैं। एक तो कर्म भूमि, भूमि मीन्स अर्थ, लैंड, जहाँ पर हम सब लोग रहते हैं, हम सब लोग काम करते हैं, कर्म करते हैं, पैसा कमाते हैं, इसीलिए इसे कर्म भूमि कहते हैं। और दूसरी होती है भोग भूमि। ये एक स्पेशल जगह होती है जहाँ पर किसी को अर्न नहीं करना पड़ता। वहाँ ऐसे स्पेशल ट्रीज होते हैं जिन्हें कल्प वृक्ष कहते हैं। उनसे हमें क्लोथ्स, फूड एक्सेट्रा सब कुछ मिल जाता है। तो देखा बच्चों, उस बंदर ने कितने अच्छे भाव किए कि वो बंदर मरकर मनुष्य बन गया। एक बार वो सब बैठकर धर्म चर्चा कर रहे थे, तभी आकाश से दो मुनिराज वहाँ उतरे और उन्होंने अनेक प्रकार से धर्म का उपदेश दिया। मुनिराज के उपदेश को सुनकर उन सब जीवों ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। फिर वो सभी जीव वहाँ से अपनी आयु पूरी करके, अपनी एज कंप्लीट होने पर स्वर्ग चले गए। और उसके चार भव के बाद राजा जो थे ना, राजा का जीव बना ऋषभदेव तीर्थंकर, और जो बंदर का जीव था वो बना उनका पुत्र, हिज सन, और उसका नाम था गुणसेन। वो इस संसार से वैराग्य को प्राप्त करके भगवान से दीक्षित हो गया और वो बन गए ऋषभदेव भगवान के गणधर। आपको पता है गणधर कौन होते हैं? गणधर स्पेशल मुनि महाराज होते हैं।
उन्हें 63 रिद्धिज होती हैं, स्पेशल पावर्स। वो कभी आहार नहीं करते, भगवान का उपदेश सुनकर उससे वो द्वादशांग वाणी में कंपाइल करते हैं, दे मेक 12 पार्ट्स ऑफ द जिन वाणी, और उसी बर्थ से मोक्ष भी प्राप्त करते हैं। तो गुणसेन ने भी तपस्या करके केवल ज्ञान प्रकट किया और फिर मोक्ष प्राप्त किया। देखा बच्चों, जब ये बंदर मनुष्य था तब इसने कितना छल कपट किया, चीटिंग करी, जिसके कारण उसे नेक्स्ट बर्थ मिला बंदर का। लेकिन बंदर बनने के बाद मुनिराज की वंदना और धर्म का उपदेश सुनने से उसकी अच्छी भावनाएं हो गई और वो फिर से ह्यूमन बना, फिर से स्वर्ग गया और उसके बाद तीर्थंकर का बेटा बना और साधना करके मोक्ष चला गया। आप सभी भी प्रॉमिस करो कि आप कभी भी चीटिंग नहीं करोगे, हमेशा अच्छी अच्छी भावनाएं ही भावोगे और धीरे धीरे मोक्ष प्राप्त करेंगे ना। जय जिनेंद्र।